आप बयान को लेके इतने हाथ हैं, आपने पिछले दिनों एमआई के छोटे भाई का बयान सुना कि 15 मिनट के लिए पुलिस हटा दी। अरे आप एक तरफ जज्बाती हो रहे तो उस बयान पर आपने खंडन नहीं अरे किया। आपने इस बात को लेके खंडन एआईएमएम को हमेशा खंडन किया है, किया उनको स्वीकार कहां किया है। देश में 20% अगर मुसलमानों की आबादी है और 20 सीट नहीं निकलता है एआईएम का, तो उसको स्वीकार कहां किया है? मुसलमानों ने उनको स्वीकार कहां किया है? कभी भी एआईएम को अगर स्वीकार करता है तो एआईएम का हाल वही होता। और किस मुसलमान के बारे में बात करते हैं? मुसलमान के बारे में, उस दिल्ली में जब लोग जूते या चप्पल मुगलों को पहनाया करते थे और अंग्रेजों की दलाली करते थे, तो मुसलमान अपना सर कटा के फांसी के फंदों पे झूल जाता था। मुसलमान की बात करते हैं? मुसलमान वो शख्स है जब पाकिस्तान ने जब हामिद ब्रिगेडियर उस्मान को जब ऑफ़र दिया कि आओ तुम्हें मैं यहाँ बना देता हूँ, तो उन्होंने कहा मुझे मरना मंजूर है लेकिन भारत के साथ गद्दारी करना मंजूर नहीं है। हमारा इतिहास ये रहा है जब देश कमज़ोर पड़ रहा था तो डॉक्टर अब्दुल कलाम ने परमाणु बम दिया भारत को। हमारा देश का इतिहास ये रहा है। हमारे देश का इतिहास और मुसलमानों का इतिहास दलाली करने का नहीं रहा है। मुसलमानों का इतिहास हमेशा ऊंचा रहा है और देश में सबसे पहले जब भी जरूरत पड़ी है तो मुसलमानों ने बढ़ चढ़ के अपना खून देने का काम किया है। BA, BCom, BSc, MA, MCom करें विश्व की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी इग्नू से। सॉल्व असाइनमेंट्स और गाइड बुक्स प्राप्त करें। संपर्क करें महाकाल कंप्यूटर्स, DAV PG कॉलेज के पास, पंच मंदिरा मोड़ से दाहिने, सिवान। नमस्कार, समय सिवान के फेसबुक पेज पर आपका स्वागत है। हमारे स्क्रीन पर है इकबाल सना साहब, राष्ट्रीय जनता दल छात्र संघ के पूर्व जिला अध्यक्ष हैं। अपने बेबाक बयानों के लिए हमेशा चर्चा में रहते हैं। अपने राजनीतिक क्रियाकलापों के लिए सचेत रहते हैं। इस बार एक नया मामला आया है। रमेश भिदोड़ी, जो दक्षिण दिल्ली के भाजपा के सांसद हैं, एक अजीबोगरीब बयान आया जिसकी निंदा चारों तरफ हो रही है। हम इस मुद्दे पर इनसे चर्चा भी करेंगे और बताते चले कि इकबाल सना साहब पिछले दिनों तब चर्चा में आए थे कि जब राज्यसभा चुनाव के एन वक्त राबड़ी देवी के आवास के सामने एक पोस्टर लगा था जिसमें हीना साहब को टिकट देने की बात कही गई थी। इस पोस्टर ने पूरे राजद को घुटने पर ला दिया और पूरे देश में उस पोस्टर के लेके चर्चा रही। अब आप इनके राजनीतिक चर्चाओं की बात समझ चुके हैं। इकबाल सना साहब, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। आपका भी स्वागत है और देख रहे सारे दर्शकों को आदाब सलाम नमस्कार और सबका तहदिल से शुक्रिया अदा कि हमें देखने का मौका मिलता। आप लोग मौका देते हैं चैनल पर बोलने का अपने, इसलिए आपका भी शुक्रिया। चलिए, शुक्रिया के साथ। अब पिछले दिनों एक ऐसा बयान आया कि जो नहीं होना चाहिए। रमेश भिदोड़ी, जो भाजपा के दक्षिण दिल्ली के सांसद हैं, दानिश अली पर लोकसभा में एक टिप्पणी की गई जिसको लेकर पूरा देश आहत है, आप भी हैं, कैसे लेते हैं इस तरह के बयान को? उनके बयान को हम सीरियस लेते ही नहीं हैं, कि वो सीरियस लेने लायक है ही नहीं है। वो एक जंगली मतादिमानों टाइप का बात करते हैं और वो आतंकवादी कहते हैं मुसलमानों को। देश का सबसे पहला, आज़ाद भारत का सबसे पहला आतंकवादी गोडसे था जिसने महात्मा गांधी, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की हत्या की और वो अभियुक्त बना। देश का आज़ाद भारत का सबसे पहला आतंकवादी हमला उसी ने किया था। तो वो क्या इस पे बोलते हैं, इनको बोलना चाहिए। पूरे भाजपा के नेताओं को गोडसे के बारे में बोलना चाहिए कि वो आतंकवादी कौन हुआ। और किस मुसलमान के बारे में बात करते हैं? मुसलमान के बारे में, उस दिल्ली में जब लोग जूते या चप्पल मुगलों को पहनाया करते थे और अंग्रेज़ों की दलाली करते थे, तो मुसलमान अपना सर कटा के फांसी के फंदों पे झूल जाता था। मुसलमान की बात करते हैं? मुसलमान वो शख्स है जब पाकिस्तान ने जब हामिद ब्रिगेडियर उस्मान को जब ऑफ़र दिया कि आओ तुम्हें मैं यहाँ बना देता हूँ, तो उन्होंने कहा मुझे मरना मंजूर है लेकिन भारत के साथ गद्दारी करना मंजूर नहीं है। हमारा इतिहास ये रहा है जब देश कमज़ोर पड़ रहा था तो डॉक्टर अब्दुल कलाम ने परमाणु बम दिया भारत को।
हमारा देश का इतिहास ये रहा है, हमारे देश का इतिहास और मुसलमानों का इतिहास दलाली करने का नहीं रहा है। मुसलमानों का इतिहास हमेशा ऊंचा रहा है और देश में सबसे पहले जब भी ज़रूरत पड़ी है तो मुसलमानों ने बढ़ चढ़ के अपना खून देने का काम किया है। इस पर कहाँ उंगली उठी सरा साहब, आपको नहीं लगता कि आप जज्बाती हो रहे हैं? एक छोटे से मामूली से बयान को लेके पूरी मुस्लिम कौम को आपने आपको नहीं लगता कि आप जज्बाती हो रहे हैं? मैं जज्बाती नहीं हो रहा हूँ। जहाँ कानून बनाया जाता है, जो सांसद कानून बनाते हैं उस सांसद भवन में, और मुसलमानों के बारे में ऐसी टिप्पणी की जाती है एक कमज़ोर सांसद के बारे में। आपने तो उनको मशहूर कर दिया पूरी दुनिया में, आपको कहाँ कमज़ोर रहे अब? उनको मशहूर मैंने नहीं किया। अरे एक ऐसे बयान को जिसको भाजपा ने भी खारिज किया, पूरे देश में उसको निंदा हो रही है, अब क्या चाहते हैं आप? उस आदमी की सांसदी रद्द होनी चाहिए, और कारण बताओ। नोटिस भाजपा ने जारी किया, खारिज कहाँ किया, कारण बताओ क्या? वो पूरी दुनिया ने देखा है, उन्होंने क्या बोला, क्या कारण है, ये तो क्या आप होता सीधे है? फांसी चाहते हैं आपका? नहीं, फांसी एक सिस्टम ना है, कारण बताओ, नोटिस का वो जवाब देंगे, कमेटी संतुष्ट होगी, तब जाके कोई फैसला होगा। संतुष्ट इसमें क्या होना है? जब खुलेआम बयान वो देते हैं और कहते हैं कि बाहर देख लिया जाएगा, तो आओ बाहर देख लो। दानिश अली को आप पाक साहब मानते हैं? मैं किसी को पाक साहब? वो तो कमजोर सांसद है, वो तो रोता है। मुसलमानों का इतिहास रोने वाला कहाँ है? रोने वाला कहाँ है? पूरे मुसलमानों के घरों पे जेसीबी चलाया गया, किसी मुसलमान को रोते हुए देखा? अतीक अहमद को काउंटर किया गया और अशरफ ने बयान दिया कि मेरे भतीजे का अल्लाह की अमानत थी, अल्लाह ने ले लिया। मुसलमानों का इतिहास हुआ है, मुसलमान मौत से नहीं डरता है। आपका इतिहास, आपके इतिहास पर सवाल नहीं। दानिश रिजवान का जो अपने बात, रोने वाला, रोने वालों के साथ इतिहास नहीं होता है, लड़ने वाले के साथ इतिहास। आप बयान को लेके इतने हाथ हैं, आपने पिछले दिनों एमआई के छोटे भाई का बयान सुना कि 15 मिनट के लिए पुलिस हटा दी। अरे आप एक तरफ जज्बाती हो रहे, तो उस बयान पर आपने खंडन नहीं? अरे आपने इस बात को लेके खंडन? हाँ सर, एआईएमएम को हमेशा खंडन किया है, उनको स्वीकार कहाँ किया है? देश में 20% अगर मुसलमानों की आबादी है और 20 सीट नहीं निकलता एआईएम का, तो उसको स्वीकार कहाँ किया है? मुसलमानों ने उनको स्वीकार कहाँ किया है? कभी भी एआईएम को अगर स्वीकार करता है तो एआईएम का हाल वही होता, एआईएम का हाल वो नहीं होता अगर मुसलमान उसको स्वीकार करते तो। मुसलमान में एआईएम को कभी स्वीकार ही नहीं किया ओवैसी को। चलिए हम उस मुद्दे पर आते हैं। हम आपको नहीं लगता है कि एक तरफ अगर रमेश भिदुड़ी का बयान की भ्रतना की निंदा की जाएगी भाजपा के द्वारा, तो उस बयान को लेकर तूफान भी खड़ा हुआ जब एमआई के छोटे भाई ने कहा था कि 15 मिनट के लिए? अरे भाई, मैं उस बात को कहता हूँ, उस आदमी को कोई स्वीकार करने के लिए एआईएम को कोई तैयार नहीं है, अवैसी को कोई स्वीकार करने के लिए कोई मुसलमान तैयार नहीं है। और वो उस बयान से, उस बयान की तुलना एक गुनहगार को दूसरे गुनहगार से आप तुलना कीजिएगा। आप अपने दिल पे हाथ रखे, आप पत्रकार महोदय जी, आप अपने दिल पे हाथ रखे बताइए, इंसाफ क्या होता है? वो भी जेल में गया था, इसको जेल में भेज दिया गया। लोकतंत्र की जड़ें काफी मजबूत हैं, एक व्यक्ति के बयान से अगर आपको लगता है कि लोकतंत्र की जड़ें कमजोर हुई हैं, तो ऐसी बात नहीं है सर। अरे सर, लोकतंत्र की जड़ें कहाँ कमजोर हुई हैं? भाजपा जब सरकार में आई थी 14 में, तो 29% पूरे देश से उसको वोट मिला था। 19 में आई तो 31% था, और फिर 31 पॉइंट कुछ था बस 19 में। उसके बाद क्या हाल है, 70% अभी भी विपक्ष में लोग रहते हैं भाजपा के। तो वो लोकतंत्र के देश ने उस विचारधारा को, कोई भी सजा करे, कोई भी गलत करे, तो उसको सजा होनी चाहिए। और भाजपा ने कारण बताओ नोटिस जारी कर दिया है, वर्तमान में अभी जवाब देने की प्रतिक्रिया चल रही है। बहरहाल, कहाँ भावनाएं आपकी हाथ होती हैं इस वर्तमान सरकार में? आपने कहा कि संविधान बदलने की बात कही जा रही है, मुसलमानों को प्रताड़ित कर किया जा रहा है, ऐसी क्या आप लगातार मुसलमानों को मानसिक प्रताड़ित किया जा रहा है? कैसे आपको हर जगह, अगर जो लोगों का अधिकार बचाने की जो संस्था है उसमें मुसलमानों के बारे में ऐसा बयान दिया जाए तो ये गलत है। हमने कहा कि एक बयान से, उस व्यक्ति के उस बयान से भाजपा ने भी कारण बताओ नोटिस जारी कर दिया है, जो भी कानूनी प्रक्रिया है वो हो रही है, लेकिन फिर भी आप आहत हैं, आप संतुष्ट क्यों नहीं है इस बात को लेकर कि कार्रवाई की जाएगी? एकदम सही आपने कहा,
बॉडी बॉक्सर लोग पहलवान 2 महीना धरना पे था। 2 महीना अब ब्रजभूषण सिंह बॉक्सर के अध्यक्ष हैं, पॉक्सको की धारा लगाई जाती है और अब अभी तक उसकी गिरफ्तारी नहीं होती है, तो आहत क्यों ना हो? आप करें तो करेक्टर ढीला और दूसरा कोई कले तो लीला, ऐसा थोड़ी काम चलता है। जो भी जिस पे FIR हो, जो भी हो, उसको सजा होनी चाहिए। देश में कानून है, संविधान है, उसी के अनुसार ना चलेगा। इसी देश में भूषण सिंह अगर कहीं बचे हैं तो भाजपा के कारण नहीं है, कानूनी प्रक्रिया को लेके जो भी स्थिरता है वो आई होगी। एकदम आपने सही कहा, इसी देश में सुप्रीम कोर्ट के जज बैठ के और सरकार की आलोचना करते हैं कि हमको दबाव में काम कराया जा रहा है, तो कानून की बात कौन करेगा? लोकतंत्र की चुनी हुई सरकार है, आप दोष लगाना आपका काम है, लेकिन आप तो वोट लेके आइए। आप एकदम आपने सही कहा, चीफ जस्टिस को राज्यसभा का सांसद बना दिया जाए, क्या उनको अधिकार नहीं है? एकदम अधिकार है। पूर्व में भी बहुत सारे चीफ जस्टिस लोग बने हैं, किसी ना किसी पार्टी के सदस्य रहे, ऐसे लोग बने नहीं नहीं बने हैं। आप एक 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 का भी बताइए चीफ जस्टिस का। अब तो बहरहाल हमको याद नहीं है, लेकिन एक भी चीफ जस्टिस पूरे देश में कोई राज्यसभा का सांसद नहीं बना है, सिर्फ इनको छोड़ के। आपको तकलीफ नहीं होना चाहिए। अरे देश कैसे चलेगा? अगर देश ऐसे ही चलेगा तो ऐसे ही चलेगा। पूर्व जस्टिस अगर न्यायमूर्ति अगर राज्यसभा के सदस्य बनते हैं तो इसमें आपत्ति कहाँ है? कहाँ आपत्ति? आपत्ति सम्मत है, वो विधि सम्मत है, एकदम सही है। तो फिर है तो सब जज साहब को राज्यसभा का सांसद बना देना चाहिए। ये आपके अधिकार क्षेत्र की बात नहीं, सबको बना देना चाहिए। आप एक ही एक आज में सिलेक्टेड आदमी को अगर बनाते हैं तब तो चर्चा होगा। अगर अमित शाह जी को कोई जज साहब बरी कर देते हैं और उन्हें केरल का गवर्नर बना दिया जाता है तब तो चर्चा होगी। और भी तो लोग हैं, काम काज को लेके, कार्य प्रणाली को लेके आपको नाराजगी है? बहुत नाराजगी है, पूरे देश के लोगों को नाराजगी है, न्यायप्रिय लोग को नाराजगी है कि सरकार की जो विचारधारा चल रही है ऐसे नहीं चलनी चाहिए, ऐसे नहीं होना चाहिए। कैसे होना चाहिए? सरकार न्याय के साथ चलना चाहिए। आपने अपना ही किया था, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास है ना? आपने विश्वास आपको कहा नहीं दिखता है? कहाँ विश्वास दिख रहा है? आप कैसे विश्वास की बात कर रहे हैं? का व्यक्ति पूर्व न्यायाधीश अगर राज्यसभा से जाता है तो आपको एतराज है? हमको एतराज नहीं है। सब जज साहब को भेज दीजिए, हमको कोई एतराज नहीं है। बात है, सब चीफ जस्टिस को भेजिए, कोई एतराज नहीं है। चलिए तो हम है? आप एक उन्होंने एक फैसला लिया और उस फैसले पे ही किया तो तब एतराज है। चलिए सना साहब, आपको सरकार के क्रियाकलाप से, उनके कामकाज से एतराज है, भावनाएं आपकी आहत हुई हैं, इनको लगता है कि भावनाएं आहत हुई हैं। 2 मापदंड, अजय आपको नहीं लगता कि 2 मापदंड आपके, आपको अगर रमेश भिदोड़ी की घटना और उनके बयान की निंदा की जाए की जाएगी तो AIM के छोटे भाई की भी बयान एकदम निंदा करते हैं, निंदा करते हैं। आप उसको फांसी पे चढ़ा दीजिए ना, फिर हमें कोई एतराज नहीं करते। देश चलेगा फांसी से चलेगा, देश एकदम फांसी से जजबाती हो जा रहा है। नहीं आप नहीं, फांसी से चलेगा, जेसीबी से चलेगा, बुलडोजर से चलेगा देश। आप अपराध करेंगे नहीं बचेंगे, इसमें कौन सी एकदम सही बात है। लेकिन एक तरफा अपराध है, कहां एक तरफा, एक तरफा अपराध है, एक तरफा है, एक तरफा मुझे नहीं दिखता है, पूरे देश के लोगों को दिखता है, पूरे देश को दिखता है, पूरे देश को दिखता है। चुनी हुई सरकार के खिलाफ इस तरह की बात आप विरोधी होने के नाते कह सकते हैं, लेकिन आगे आने वाले आगामी चुनाव में आप अपना बहुमत लाइए, आप सरकार एकदम देश के लोगों को बहुमत देंगे, देश के लोग एकदम बहुमत देंगे। देश कभी भी किसी की गर्मी बर्दाश्त नहीं करती है, कि जब देश के नागरिक वो कहते हैं कि जब हम अधिकार की बात करते हैं, अपनी बात कहते हैं तो आपकी भावनाएं हाथ हो जाती है। कहां अधिकार की बात कर रहे हैं? 370 को लेकर आपको एतराज? 370 से आपको क्या फायदा हुआ है? हम ये नहीं, देश के लोगों को क्या फायदा हुआ? हमें कोई एतराज नहीं है। देश के लोगों के फायदा क्यों गिनेंगे भाई? ऐसा फायदा क्यों गिनेंगे? कैसे नहीं गिनेंगे फायदा? समाज के व्यक्ति को नाराज करके उनको फायदा नुकसान गिनाएंगे? आप तीन सौ उनकी भावनाएं आप आहत एकदम आपने सही कहा। हम मैं किसी की भावना आहत नहीं करता हूं। अभी 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 आपने कहा क्या कहा कि क्या वो नफा है क्या नुकसान है? एकदम है, राष्ट्रीय स्तर पर 371 हटाइए आप, उत्तराखंड से, हिमाचल से हटाइए, नॉर्थ ईस्ट से हटाइए।
370 हटने के बाद पर्यटक के क्षेत्र में कश्मीर ने पूरे हिंदुस्तान में रिकॉर्ड कायम किया है रिवेन्यू के मामले में। आप कहते हैं फायदा क्या है? कहाँ रिवेन्यू के मामले में? हाँ, पर्यटक काफ़ी गए हैं, कम से कम 5 लाख से ऊपर पर्यटक इस साल गए हैं, 4.5 लाख 6 लाख अमरनाथ की यात्रा हुई है, अमरनाथ यात्रा की यात्रा कब रुकी हुई है? संपूर्ण शांति सबसे बड़ी चीज है ना, अरे एकदम शांतिपूर्ण शांति हर जगह होनी चाहिए। आप उसको नफा नुकसान में ना जोड़े। अरे हम नफा नुकसान क्या, मैंने आपने कहा कि 300 तो हमें क्या फायदा हुआ, यहाँ की जनता को क्या फायदा हुआ, ये तो बतानी चाहिए ना। अब चलिए भाई, विरोध का अपना अपना स्वर है, आप देख लीजिए। नहीं, हम ये जरूर कहेंगे कि विरोध विरोध तक ही रहे, उसके नीचे ना जाए। एकदम विरोध तक है, कोई भी डिसीजन सरकार लेती है हैं, तो वो कोई भी चीज़ का नफा नुकसान दोनों बताती है। डिसीजन कभी भी किसी ऐसे फैसले पर जो देश हित से जुड़ा है उस पर आप उंगली उठाते हैं, आपको नहीं लगता है कि इस तरह की बातें नहीं होनी चाहिए? एकदम देश हित पे, देश हित पे कौन उंगली उठाता है? हमारे भारत के प्रधानमंत्री करते हैं एकदम से, वो तो कहते हैं 370 हटाना। अनिल जी एक बात बताइए, वो तो कहते हैं कि नोटबंदी अगर फेल होता है तो मुझे 20 चौराहे पे फांसी लगा दो, हमारे प्रधानमंत्री कहते हैं। प्रधानमंत्री हमारे नरेंद्र मोदी जी कहते हैं शमशान और कब्रिस्तान की बात करते हैं, दिवाली ईद की बात करते हैं, वो तो नुक्कड़ हर 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 नुक्कड़ पर चुनाव सभा करते हैं। आपको इतराज है, लोकतंत्र में एक चुना हुआ व्यक्ति कहीं जा सकता है, इसी तरह का प्रचार कर सकता है? एकदम जा सकता है। आपको एतराज है? हमें एतराज नहीं है। एतराज है? आप नहीं एतराज है, नहीं एतराज है। व्यक्ति चुनाव हुआ नहीं, आपने कहा विरोध के विरोध होना चाहिए, लेकिन विरोध ना ना ना, ये बात थोड़ी होगी। आपने कहा कि देश हित में जो फैसला होगा सबसे पहले मैं या हमारे लोग मुसलमान खड़े रहेंगे देश के लिए, जान देने के लिए, देश हित में काम करने के लिए।